आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, सवाल दिया कि एक अर्धगोली तालाब है, इसकी त्रिज्या 2.8 मीटर, तो इसकी धारिता होगी। तो अपन यहाँ अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे। अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, अब 2/3 ऐसे ही रहने देते हैं। पाई का मान अपन 22/7 रख देते हैं, और आर का मान क्या दे रखा है? 2.8। ठीक है, तो ये 2.8 का गुणा 3 बार होगा, 0.8। ठीक है, और ये सभी मीटर में है तो मीटर की घात 3 हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ सभी का 0.5 हटा लेते हैं और नीचे में 1-1 0 बढ़ा लेते हैं। तो ये 1, 2, 3 0 बढ़ जाएगी। अपन 3 का भाग देंगे 28 में, तो ये 3 का भाग नहीं जाएगा, तो अपन 7 का भाग देते हैं और 3 को वैसा कैसे रहने देते हैं। ठीक है, ये 7 * 28 हो जाएगा और ये 3 अपने पास ऐसा कैसे रहेगा। ठीक है, तो अब अपन ऊपर वाली पूरी संख्या लिख लेते हैं। 22 अपन एक बार इनका गुणा कर लेंगे, 44 हो जाएगा, गुणा 4 * 28 * 28 बटे में ये 3 बच रहा है अपना, क्योंकि इसको अपन ने काटा नहीं था, गुणा 1000। ठीक है, और ये मीटर का क्यूब अपने साथ में चल ही रहा है। अब अपन एक काम करेंगे, ऊपर वाली संख्या का गुणा करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या का गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 1000। ये मीटर का क्यूब तो अपने पास चल ही रहा है, तो अपन 3 का इसमें भाग देंगे, तो 137 में 3 का भाग इधर देके देखेंगे अपन, तो ये 3 * 12 हो जाएगा। ऊपर से 7 उतारेंगे, अपने पास आएगा ये 3 * 15, ऊपर से 2 बचेंगे, ऊपर से अपन 9 उतारेंगे, ये 9 = 27। ठीक है, ये 2 बच जाएंगे। अब अपन ऊपर से उतारेंगे 8, तो ये वापस 9 बार जाएगा, ये 27। एक ऊपर से उतारेंगे 4, 3 * 12। ठीक है, अब 2 में भाग नहीं जाएगा तो लगाएंगे 0.5, बढ़ाएंगे 0, तो ये जाएगा अपना 3 * 6 = 18 बार। अब हर बार 2 बचते जाएंगे, जिस तो जाएंगे, तो अपन इसको क्या करते हैं कि 45, 9, 9, 5 लिख लेते हैं, इस 6 को 1 मिला के इधर लिख लेते हैं। ठीक है, 0.5 हटा के अपन 1 इधर लिख लेंगे, तो अपने को क्या मान मिला यहाँ पर? 45, 9, 9, 5 * 1000, ये मीटर क्यूब। अब अपन को सवाल में क्या पूछा है, इसकी धारिता क्या होगी, और ये अपन से पूछा है यहाँ पे सभी लीटर में आंसर पूछा है, तो अपन इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपन 1 m³ बराबर से 1000 लीटर। ठीक है, तो अपन यहाँ 1000, ये 45, 9, 9, 5 * 1000 गुणा 1 m³ की जगह अपन लिख लेते हैं 1000 लीटर। 1000 लीटर से 1000 लीटर कट जाएगा, तो अपने पास आंसर आएगा 45,995 लीटर। ठीक है, ये अपना पहले आंसर सही है, 45,995 लीटर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।